एम्बुलेंस है भाई, काय भाई त्यांना सोडा ना, काय तुम्ही असं काय करते, एम्बुलेंस सोड दे ना, काय तुम्ही असं करते। अगर आप किसी एम्बुलेंस को अपने इर्द गिर्द गुजरते देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके अंतरात्मा में यह ख्याल आता होगा, आप दुआ कर देते होंगे उस एम्बुलेंस में जा रहे मरीज के लिए कि उनकी जान बच जाए, चाहे उनकी हालत गंभीर हो या फिर ना हो, आप दुआ करते होंगे कि उस मरीज की जान बच जाए। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है मुंबई से, जहां हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का कारवां यानी काफिला गुजरता रहा सड़क से, और उसी सड़क के किनारे एम्बुलेंस फंसा रहा और उस एम्बुलेंस में जो मरीज था वो तड़पता रहा। दोस्तों यह वीडियो जो है वो मुंबई का है, जिसमें अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री VVIP हैं, VIP हैं, उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलता है, उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सुरक्षा इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस को भी रोक दिया गया। शायद यमराज को भी यह कहना चाह रहे हैं कि यमराज आप रुक जाइए, अगर मरीज की हालत गंभीर होगी तो आप थोड़ी देर बाद उसे जान ले जाइएगा उसकी, लेकिन पहले मेरी कारवां को, मेरे काफिला को यहां से गुजरने दीजिए, तब एम्बुलेंस यहां से पास होगा। सबसे पहले आप वह वीडियो देखें जिसमें अमित शाह का काफिला गुजर रहा है और एम्बुलेंस फंसा हुआ है। काय भाई एम्बुलेंस है भाई, काय भाई त्यांना सोडा ना, काय तुम्ही असं काय करते, एम्बुलेंस सोड दे ना, काय तुम्ही असं करते। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि काफिला गुजर रहा है, एम्बुलेंस भी फंसा है और पीछे से एक आवाज आ रही है, कुछ महाराष्ट्री भाषा में, महाराष्ट्र की भाषा में, मुंबई की भाषा में एक आवाज आ रही है कि भाई एम्बुलेंस है, कम से कम उसे तो जाने दिया होता, उसे तो ना रोका होता। लेकिन गृह मंत्री की बात थी, उनकी सुरक्षा की बात थी, जो वहां पर एक ट्रैफिक गार्ड जो तैनात है वहां पर, वो भी कुछ ना कर सका, क्योंकि गृह मंत्री की सुरक्षा का सवाल है। अगर वो छोड़ देता तो उसका जो नौकरी है वो चला जाता, उसको बर्खास्त कर दिया जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एम्बुलेंस में कोई मरीज फंसा हो, उसकी जान पर बनाई हो या फिर मामला कुछ और हो, पहले गृह मंत्री हैं तो उनका काफिला तो गुजरेगा। यह हमारे देश की एक विडंबना है कि VVIP सुरक्षा दी जाती है, उसके लिए आम नागरिकों को, मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस मामले को लेकर साकेत गोखले, जो कि वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट यूजर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है वो पहले मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर ट्वीट देखें, मैं उस ट्वीट को पढ़ता हूं। साकेत गोखले ने ट्वीट करते हुए लिखा, नेवर बिफोर वुड यू इमेजिन दिस इन मुंबई, एन एम्बुलेंस वाज केप्ट वेटिंग टू अलाउ अमित शाह कॉन्वे टू पास। अमित शाह इज टेक्निकली अ Z+ प्रोटेक्टी, अ VIP एंड नॉट VVIP। 8 roads were shut down for him for the first time. Now the BJP is in power. यानी भारतीय जनता पार्टी मुंबई में अब पावर दिखा रही है अपना। अमित शाह का काफिला गुजर रहा है, एम्बुलेंस फंसा है, ये पावर की ही बात है। एक ट्विटर यूजर ने यह ट्वीट करते हुए लिखा। अब कुछ संघी मानसिकता वाले लोग इस पर आकर कमेंट करेंगे कि क्या एम्बुलेंस में मरीज था या नहीं, एम्बुलेंस को ऐसे ही रोका गया होगा, उसमें मरीज होगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एम्बुलेंस में आप देख पा रहे होंगे एम्बुलेंस की जो बत्ती है, जो लाइट है, वो जल रही है, और एम्बुलेंस का लाइट तभी जलता है जब उसमें कोई मरीज होता है, जब उसको कहीं ले जाया जाता होता है तब एम्बुलेंस की लाइट जला दी जाती है, ताकि लोगों को समझ आए कि एम्बुलेंस में मरीज है। तो संघी मानसिकता वाले लोग, अगर आप सवाल करेंगे तो आप देख लीजिए एम्बुलेंस में लाइट जल रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए, जिस देश में VIP लोगों का, Z+ सिक्योरिटी वाले लोगों को सड़क से गुजरने के लिए एम्बुलेंस तक को रोक दिया जा रहा है, तो यह VVIP ट्रीटमेंट देने का जो परिचालन चलता आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है ये हमारे देश में, रोक दिया जाता है जब VIP का कारवां गुजरता है, काफिला गुजरता है, तो आम नागरिकों का जो आवाजाही है सड़क पर बंद हो जाता है, उसको बिल्कुल रोक दिया जाता है। और अमित शाह हैं हमारे देश के बड़े राजनेता हैं, तो कारवां गुजरेगा तो आम नागरिक को तो रुकना ही पड़ेगा, चाहे वो एम्बुलेंस ही क्यों ना हो, उसमें मरीज फंसा हुआ ही क्यों ना हो। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एम्बुलेंस को रोका गया तो मरीज सीरियस नहीं होगा, उसकी मौत नहीं हुई होगी, क्या फर्क पड़ता है इससे हमारी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं को, क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है उनकी डायरी में
एक आंकड़ा बनकर है, देश की जो जनता है एक आंकड़ा के रूप में काम आता है। जे देश की जनता मर जाए, परेशान हो, मरीज मर जाए, एम्बुलेंस फंसा रहे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ ऐसा हो भी जाएगा तो आएंगे, एक माफीनामा देंगे, माफी मांगेंगे, परिवार वालों को मुआवजा देंगे, बस काम खत्म, मामला यहां पर बंद हो जाएगा। लेकिन जिनकी जान जाएगी, जिनको परेशानी उठानी पड़ी, उनके ऊपर क्या गुजरा होगा, इसका अंदाजा वो बिल्कुल नहीं लगा पाते होंगे। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी न्यूज प्लस की टीम, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप अगर हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर कर दें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।